हे गाइस, बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y35 फोन में आप जो गाइस कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग गाइस कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में सेव होता है। तो अगर आपको नहीं पता है, हम यहां से आपको बिल्कुल शेडिंग करके बताएंगे आप जो अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग गाइस कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में सेव होता है, आप उसको गाइस कैसे चेक कर सकते हैं। आपको जब गाइस कॉल रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना होता है या फिर गाइस किसी के पास शेयर करना होता है, तो ना ही आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुन पाते हैं, ना ही किसी के पास शेयर कर पाते हैं। तो हम यहां से आपको जो बताएंगे आप कॉल रिकॉर्डिंग को गाइस कैसे सुन सकते हैं, कैसे किसी के पास शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम यहां से सेटिंग करके आपको बताएंगे गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं, कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिल जाएगा और आपको देखिए जो अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग शेप कहां पर होती है। फाइल को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर जब फाइल ओपन करेंगे आपको मिलेगा मेन स्टोरेज का ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट में क्लिक करना है। आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे आपको मिलेगा इनपुटिंग फोल्डर का ऑप्शन। ठीक है, हमने कैसे यहाँ पे ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग किया, बट जो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे हमने अपने फोन में किया है वो कैसे हमारे फोन के जो कि यहाँ पे फाइल मैनेजर में सेव नहीं हुआ है। तो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में सेव होता है, हम यहाँ से आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। यहाँ से आपको देखिए ऑल बैक आना है। ठीक है, ऑल बैक जब आ जाएंगे आपको अपने फोन में डायलर ओपन कर लेना है जहां से कैसे आप कॉल करते हैं। डायलर जब फाइनली ओपन करेंगे, आपने जिस नंबर पे गाइस कॉल करके या फिर जिस नंबर के कॉल को रिसीव करके कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं उसी नंबर पे आपको सिंगल बार गाइस क्लिक करना है। सिंगल बार जब गाइस क्लिक करेंगे यहाँ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड का ऑप्शन मिलेगा। हमने देखिए यहाँ पे 5 सेकंड के गाइस नहीं 1 सेकंड के हमने कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया है और आप इसको यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाएगा राइट साइड में शेयर का ऑप्शन, किसी के पास शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको राइट साइड में सबसे मिल जाएगा डिलीट का ऑप्शन, आप इसको यहीं से फाइनली डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस आप जो अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपके फोन के डायलर में ही सेव होती है, आप यहीं से कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अगर किसी के पास शेयर करना है तो बिल्कुल आप यहां से शेयर भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल शेडिंग करके अपने Vivo Y35 फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग गाइस सेव कहां पर होती है आप यहां से चेक कर सकते हैं। आई होप गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।